गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संध्या राबी, आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा तीसरी का पार्ट चार स्टडी करेंगे। पार्ट चार, नब को छूलू, यह एक कविता है। नब को छूलू, कण कण तृण तृण, कण कण यानी प्रकृति का प्रत्येक कण कण, तृण तृण यानी तिनका तिनका, चमक उठाए। जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति का कण कण और तृण तृण चमक उठता है। सारा आलम, आलम यानी संसार, सारा आलम महक उठा है। फूलों की खुशबू से सारा आलम, सारा संसार महक उठा है। मैं भी महकूँ इसी तरह, कवि चाहता है कि वो भी जैसे फूलों की खुशबू महक रही है इस तरह से महके। नब को छूलूँ, यहाँ पर बात पक्षी की हो रही है। नब को छूलूँ, पक्षी क्या सोचता है कि वो नब यानी आकाश, आकाश को छू ले। उड़ता उड़ती जाऊं, चांद सितारों को छू जाऊं, है ना, इतना ऊपर उड़ना है उसको कि वो चांद सितारों तक पहुंच जाए और चांद सितारों को छू ले। पंख पसारूं इसी तरह, पसारूं यानी फैलाना, पंख को इसी तरह फैलाऊं कि मैं चांद सितारों को छू लूं। कांटों बीच सुमन महकते, सुमन यानी पुष्प। कांटों बीच, आपने देखा होगा कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। कांटों बीच सुमन महकते, अपने गुण को कभी न तजते, तजते यानी त्यागना। कांटों के बीच भी सुमन जो है, पुष्प जो है, वो खुशबू देते हैं, है ना। दुख में भी, कांटों का मतलब है दुख में, दुख में भी इंसान को अपने गुणों को नहीं त्यागना चाहिए। ये संदेश हमें कौन देता है, ये संदेश हमें पुष्प देते हैं। कांटों बीच सुमन महकते, अपने गुण को कभी न तजते। कांटे होते हैं उसके आसपास, फिर भी वो महकना नहीं भूलते हैं। इसी तरह हमारे आसपास यदि दुख हो, तकलीफ हो, तो भी हमें अपने गुणों को नहीं त्यागना चाहिए। गुण में पाऊँ इसी तरह, इसी तरह के फूलों की तरह गुण हम में होना चाहिए। ये कविता कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।